पालघर के बोईसर तारापुर MIDC के प्लॉट नंबर N216 में स्थित बजाज हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी में ब्लास्ट होने से हड़कंप मच गया। ब्लास्ट के बाद कंपनी में आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से दो कामगार जख्मी हो गए। जख्मी कामगार नीलेश बोरसे उम्र 29 साल की, हालत चिंताजनक बताई जा रही है। डॉक्टरों की माने तो नीलेश के अंग लगभग 90% तक झुलस गए हैं। कंपनी में आग लगने की सूचना मिलने के बाद अग्निशमन दल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई। वहीं जख्मी कामगार नीलेश को आनंद फानन में मुंबई के लिए रेफर कर दिया गया है। नीलेश की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। आपको बता दें कि इस तरह तारापुर MIDC के विरास कंपनी में भी कुछ महीने पहले ही अपघात हुआ था, जिसमें जख्मी की मृत्यु हो गई थी। आखिर तारापुर MIDC में आए दिन अपघातों की संख्या क्यों बढ़ रही है? क्या फैक्ट्री इंस्पेक्टर व सेफ्टी ऑफिसर ठीक तरह से कारखानों में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या एक सवालिया निशान खड़ा कर रहा है? हालांकि आगे की जांच फैक्ट्री इंस्पेक्टर व स्थानीय पुलिस द्वारा किया जा रहा है। निरंतर जानकारी प्राप्त करने के लिए बने रहिए प्लस 24 हेडलाइन न्यूज के साथ।